सो सना, तुमने कैसे सोचा कि मैं भी अब इंडस्ट्री में आऊँ? क्या हस्बैंड ने पुश किया? नहीं, मेरा शुरू से इंटरेस्ट था. अच्छा. उसके बाद शादी हो गई. हाँ. फिर वहाँ चले गई. हाँ. उसके बाद जब वापस आए ना, हम लोग वापस इस तरह से आए कि अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी. हाँ. पता था आपको. हाँ. तो फिर हम दोनों डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग यहाँ ही कुछ टाइम के लिए हम शिफ्ट हो जाते. हाँ. हैं, क्योंकि बच्चों के साथ सब्बू की तबीयत और वहाँ हैंडल करना, यार बच्चे छोटे छोटे दो संभालना. अच्छा, वैसे मैं एक बात यहाँ पे कहूँगी, इंटरेस्ट भी था, ये गलत कह रही मैं. हमने पकड़ के इसको निकाला, क्योंकि ये जब हमारे घर पे खोजी वगैरह आते थे तो हाँ. कहते थे, भाई सना यू आर सो टॉल, तुम इतनी अच्छी हो, तुम मॉडल लगती हो, तुम यू नो व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर करियर, तुम आओ फैशन करो. ये जाती थी और बहुत घबरा के वापस आ जाती थी. छोटी भी तो इतनी थी मैं, लेकिन तो आज शी वाज जस्ट 18 जब वो जी ने इनको बुलाया. हाँ. और फिर किसी कुछ नबीला का कुछ करवाया तो वो नहीं हुआ. उसके बाद फिर शी गॉट मैरिड और फिर वो चली गई. फिर वो अब बच्चों में लग गए. अब ये वहाँ जाके बड़ा कॉन्फिडेंस आया सना के. हाँ. तो शी इज अ न्यू पर्सन. सना ये बताओ कैसे आया कॉन्फिडेंस, जैसे शादी के बाद गई हो वहाँ? क्योंकि तो वहाँ पर ना हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती है. हाँ. यहाँ पर तो आपका हेल्प है, चलो ये करवा लो वो करवा, वहाँ पर आपको ए टू जी सब खुद करना पड़ता है. ग्रोसरी ड्राइविंग, हाँ. बेबी सिटिंग, हर चीज़ आपको खुद करनी पड़ती. हाँ. है, तो उस चीज़ से आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता. हाँ. है. और आई थिंक सलमान भाई का भी जो बहुत सपोर्ट है. सबके हस्बैंड है ना, हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है. सलमान एक से दो होते हैं, वो पुश करते हैं. काफी जगह होता है कि सलमान भी कहती नहीं मुझे नहीं जाना अभी, सलमान पुश कर रहे हैं, नो सलमान शुड गो, ही इज ऑलवेज लाइक नहीं तुम्हें आज जाना चाहिए. हाँ. तो ये होता है.